दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस ने की मॉक ड्रिल, होगी असरदार। इंदौर ग्रामीण एसपी भगवंत सिंह बिरदेव एवं एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने की मौजूदगी में 13 थानों के लगभग 200 जवान एसडीपीओ थाना प्रभारी मॉक ड्रिल में शामिल हुए। बता दें, इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मेडिकेप्स के पास बनी पुलिस लाइन परिसर में दंगा नियंत्रण बलवा मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया, जिसमें दंगाइयों से निपटने के लिए आंसू गैस लाठी चार्ज का अभ्यास किया गया। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल में बताया गया कि दंगा होने की स्थिति में पुलिस के एक्शन में आने के साथ ही इन हालातों से निपटने के लिए किस रैंक के अधिकारियों को किस तरह से अपनी भूमिका को तय करके एक्शन में आना है और दंगाइयों से निपटना है। दंगाइयों से निपटने के लिए एसडीओपी थाना प्रभारी उप निरीक्षकों सहित अन्य स्टाफ ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान दंगाई बने पुलिस कर्मियों पर गोली चली, लाठी चार्ज हुआ और आंसू गोले भी छोड़े गए। घायल हुए दंगाइयों को पुलिस टीम ने एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल तक पहुंचाया, साथ ही दंगाइयों की गिरफ्तारी भी मॉक ड्रिल में दर्शाई गई। एसपी बिरदे ने पुलिस कर्मियों को बताया कि जब कहीं भी दंगा हो जाए तो सबसे पहले दंगाइयों से बातचीत कीजिए। जब ना माने तो आंसू गैस के गोले छोड़ें, फिर भी ना माने तो लाठी चार्ज करें। इसके बावजूद भी जब हालात काबू में ना आए तो फायरिंग करें। ध्यान रहे कि गोलियां पैर पर मारी जाए, जिससे किसी भी दंगाइयों की जान न जाए। इंदौर से जितेंद्र सालवी के साथ अनिल प्रजापत की खास रिपोर्ट। ठीक है सर, आप मोबाइल का आयोजन जिले में पहली बार किया गया सर, दिया जा सकते हैं, ऑफिसर की तैयारी की। देखिए, पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश से आज प्रदेश में सभी डीआरपी लाइनों में आज बलवा ड्रिल का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण जिला अभी नया नया है, शैशव काल में है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बलवा ड्रिल का एक आयोजन किया गया। बलवा ड्रिल एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे हम लोग अपने बल को कोई भी दंगा होता है किसी भी स्थिति में तो कैसे हैंडल करना है, कैसे दंगाई को कंट्रोल करना है, उसकी सिखलाई देते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये बलवा ड्रिल का आयोजन। 13 थानों का बल है, लगभग 200 लोग हैं। तो कुछ कमियां लगी? हाँ, कमियां तो सदैव रहती है और सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक भी महिला आरक्षक? महिला आरक्षक भी है और रिजर्व बल में हमारी महिला आरक्षक, चूँकि फ्रंट में अभी जो देखिए हम लोग जो दंगाई है वो पुरुष थे सारे के सारे, तो एक्शन के लिए जो है हमारे पास, हमने जो एक्शन जो हम टीम ने लिया वो पुरुषों की टीम ने लिए, महिला बल हमारे पास रिजर्व। थैंक यू।